दीक्षा और राजीव की लव मैरिज हुई थी। दीक्षा एक ऊंचे घराने की बेटी थी और उसकी परवरिश खूब प्यार दुलार से हुई थी, जिसके कारण वो थोड़ी अहंकारी स्वभाव की थी। राजीव की माँ सुधा जी बहुत ही सीधी और सरल स्वभाव की महिला थी। उन्होंने बेटी की खुशी के लिए इस रिश्ते के लिए तुरंत ही हाँ कर दी थी और उन्होंने दीक्षा के माता पिता से वादा किया था कि वह दीक्षा को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही प्यार दुलार देंगी। उनकी बेटी की शादी हो चुकी थी, इसलिए वह सोचती थी कि बहू के रूप में उन्हें एक और बेटी मिलने वाली है। दीक्षा शादी के बाद जब ससुराल आई तो उसे घर के कोई भी काम नहीं आते थे, इसलिए सुधा जी ने उस पर अचानक से ही घर गृहस्थी की जिम्मेदारी नहीं सौंपी। एक दिन सुधा जी की तबीयत खराब थी तो उन्होंने दीक्षा से कहा, बहू आज रसोई में जरा मेरी मदद कर दो ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो दीक्षा मुंह बनाते हुए कहने लगी, मम्मी जी मैं हाई क्लास फैमिली से हूँ, मैं रसोई की गर्मी में खाना नहीं पकाऊंगी। वैसे भी आपने तो कहा था कि आप मुझे बेटी की तरह रखेंगी, तो अब जाइए मेरे लिए खाना बनाइए। फिर सास ने नाराज होकर कहा, बहू भले ही तुम हाई क्लास फैमिली से हो लेकिन तुम्हारी सोच ज्यादा ऊंची नहीं है। एक तो तुम देख रही हो कि मैं बीमार हूँ, ऊपर से तुम मुझे ही खाना बनाने के लिए कह रही हो। अरे रोज तुम्हें खुद ही खाना बना देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें अभी खाना बनाना नहीं आता है। उल्टा जब मैं तुम्हें कोई काम सिखाने की कोशिश करती हूँ तो तुम बहाने बनाकर वहाँ से निकल जाती हो। अगर मैंने कहा है कि मैं तुम्हें बेटी की तरह रखूंगी तो बताओ आज तक मैंने तुम्हारे साथ कौन सा गलत व्यवहार किया है। अगर मैं तुम्हें बेटी मान सकती हूँ तो तुम मुझे माँ की तरह सम्मान क्यों नहीं दे सकती। अगर तुम्हारी माँ बीमार रहती तो क्या तब भी तुम उनसे ऐसे ही लहजे में बात करती। मेरी बेटी तो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। उल्टा जब मैं बीमार होती हूँ तो वह खुद अपने हाथों से खाना बनाकर मुझे खिलाती है, मेरा ध्यान रखती है, मेरे सामने ऐसे नखरे नहीं दिखाती। कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन दीक्षा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। सुधा जी को बड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि जब मैं अकेली थी तब मेरी तबीयत खराब होती थी तब भी तो मैं खुद ही खाना बना लेती थी। ऐसा सोचकर वह खुद ही रसोई में चली गई और उन्होंने अपने लिए खिचड़ी बना ली। दीक्षा ने तो अपना खाना बाहर से ही ऑर्डर कर लिया था। उस दिन के बाद से सुधा जी दीक्षा से नाराज हो गई थी और उससे बात ही नहीं कर रही थी, लेकिन दीक्षा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन दीक्षा छत की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तभी अचानक से उसका पैर मुड़ गया और वह लुढ़कती हुई नीचे आ गिरी। उसके पैर में मोच आ गई थी। उसकी यह हालत देखकर सुधा जी सारी नाराजगी भूलकर दौड़कर उसके पास आई। वह उसे सहारा देकर बिस्तर पर ले आई और जल्दी से दवाई लेकर उसके पैर में लगाने लगी। यह देखकर दीक्षा हैरान रह गई। उसने तो हमेशा यही सुना था कि सास कभी माँ की जगह नहीं ले सकती और सास बहू के पैर छुए, यह तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। सुधा जी ने उसे रोते हुए देखा तो कहने लगी, बहू मैं दवाई लगा रही हूँ, उसके बाद मैं राजीव को फोन कर देती हूँ, वह घर आ जाएगा तो हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे। दीक्षा कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि उसकी कमर में थोड़ी ज्यादा चोट लग गई है और उसकी कमर की हड्डी थोड़ी खिसक गई है। डॉक्टर ने उसे भरपूर आराम करने के लिए कहा था। सुधा जी ने बिल्कुल छोटी सी बच्ची की तरह उसका ध्यान रखना शुरू कर दिया था। दीक्षा को अब अपने किए हुए बुरे व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और एक सप्ताह के बाद दीक्षा से रहा नहीं गया। वह अपनी सास से माफी मांगते हुए कहने लगी, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे अपने हाई क्लास परिवार का बड़ा घमंड था। मैं सोचती थी कि मुझे न घर के काम करने हैं और न रसोई का काम सीखना है, इसलिए मैंने आपको अपमानित कर दिया, लेकिन मेरे बुरे व्यवहार के बावजूद आप मेरा कितना ध्यान रख रही हैं। सुधा जी बड़े ही प्यार से बोली, मैंने सिर्फ कहने के लिए तुम्हें बेटी नहीं माना है बल्कि सच में मैं तुम्हें बेटी की तरह ही प्यार देना चाहती हूँ। अब बच्चे गलत कर देते हैं तो क्या माता पिता उन्हें बुरे वक्त में छोड़ देते हैं? नहीं ना, वैसे ही तुम्हारे बुरे वक्त में मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। दीक्षा अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मम्मी जी अब मैं भी घर के कामों से भागूंगी नहीं और आपकी मदद करूंगी। हाई क्लास सिर्फ कहने से नहीं होता है बल्कि हमें अपने विचार भी ऊंचे रखने पड़ते हैं। सुधा जी ने प्यार से अपनी बहू को गले से लगा लिया क्योंकि आज उनकी कोशिशें रंग लाई थी। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए लाइफ टेल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।